फिर भी बावाज़े बुलंद सलवा तिलावत फरमाओ। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। सलवात अस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफल अमजद वल महमूदिल अहमद। महबूब इलाहिल आलमीन अबल कासिम मुहम्मद व अल सैयदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़र व शुजाइल गज़नफर कासिम तूबा व सकर सैयदिल औलिया इमामिल हुदा अमीरिल मोमिनीन। अम्मा बादु फकद काल अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलु अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिल हक। सलवात दुआ है मालिक इस जिक्र पाक नू अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। मालिक इस जिक्र दा सदका तुहाडे साडे कबीरे सगीरे गुनाह माफ फरमाए। इस जिक्र दा सदका मालिक जिन्हां मरहूमीन दे इसाले सवाब दी मजलिस है वालिदैन मरहूमैन आगा सैयद नजफ हुसैन नकवी मालिक उन्हां दी बख्शिश फरमाए। मालिक मुहम्मद वाल मुहम्मद सदका इस जिक्र दा सदका ए आज़ादारी तुहाडियां साडियां नस्लां च मुंतकिल फरमाए। मालिक इस इलाके ते शिया सुन्नी तमाम अहबाब ते अपनी खसूसी नज़र करम फरमाए। मालिक फलस्तीन दे मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए। मालिक शहीद आज़म शहीद अकबर शहीद मिल्लत शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह दे दराजात बुलंद फरमाए। मालिक इस्लाम और मुसलमानों नू हिफाजत हिमायत हिम्मत और हौसला नसीब फरमाए। साढ़े बारहवें साईं दे ज़हूर ताजील फरमाए। साढ़े मौला नू साढ़े ते राजी फरमाए। अपनी अपनी दुआई की कबूलीयत वास्ते हिक्का खलूस भरी सलवात तिलावत फरमाओ। मालिक तो सलामत रखे। कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं एक पैगाम अर्ज करना है और मैं उस मालिक का जितना शुक्र करा घाटे जो अपने वतन ते अपने इलाके ते अपने जानन वाले साहिबान नाल थोड़ी देर गुफ्तगू का मौका मिल गया। मैं एक आयत का तर्जमा करसा जिमें साडे जाकिर बिरा दिन भाई इस कसीदे ते मैनू पता लगना है जो मैं कितना पढ़ना है। इस आयत ते मैं वेखना है जो भाई मैं अपने जाना नाले साहिबान नाल कितनी गुफ्तगू करनी है। सूरत मैदे आयत नंबर 27 है। कोशिश करदा तर्जमा उंज करा जिमें करण दा हक है। अलबत् असातज़ा मौजूद हैं बजुर्गान मौजूद हैं मैं लिखिया जरूरत जसारत पे करे ना अवद कुदरत दे वतलू अलैहिम नबा अब नए आदम बिल हक। ओ मेरा सोना ओ मेरा रसूल इन्हां लोगों नू आदम दे दुआहां पुत्रां दा हकीकी किस्सा सुना। मालिक को केड़ा किस्सा है अद आयत नहीं मुक्की पूरी चपड़ो समझ आवाई सी। इज करबा कुर्बानन जदन उन्हा दुहा पुत्रा कुर्बानी दिती। एक सलवात तिलावत फरमाओ ना। चलो बेटा फिर भी सलवात तिलावत फरमाओ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करदा लुत्फ आवे। इज करबा कुर्बानन जदन दुआ आदम दे दुआ पुत्रा कुर्बानी दीती। मालिक थिया क्या है अद फतो को बेला मेन आहदे माँ उन दू चू हेक दी कबूल हो गई। वल्लम यो तकबल मेन अल आखर ते दुए दी कबूल ना होई। हेक दी हो गई दुए दी कबूल ना होई। मालिक वत क्या थी है अल्लाह अकबर। काला
कहला जिंदी कबूल ना होई। अच्छा एक जुमला आखी वजह कुरान जिक्र नहीं आदम दे दो पुत्रां दा ना मौजूद नहीं, तारीख मौजूद है। एक दा ना हबील है, बै दा ना कबील है। अच्छा तवज्जो मेरे पास रवे, एक दी कबूल होई ते बै दी कबूल ना होई। जिस दी कबूल ना होई ओ उसनु आखन लगा जिंदी कबूल हो गई, कहला ओ भिरावा लाख तो लन्ना का, मैं तैनु मरे सा। आलम दीन मौजूद है, तर्जमा करवे सिरे मारण दा गाल नहीं, लाख तो लन्ना का, मैं ते को कत्ल करे सा, मैं ते को मरे सा। अल्लाह ने करे सानू जो कोई आखे तेरे ना लड़सा है तो असा अस्तीना उलट के आ जाए, एक मरे से ते दो जले से। आदम दा एक पोत्र दुए नु खला दे, मैं तैनू कत्ल करे सा, क्या उसी आखिया जो मैं ही तेरे न लड़ सा। ना ना अल्लाह का कुरान आता है बड़े सबर नाल, बड़े तहमुल नाल उन्हें जवाब पिया देंदा है। अदे काला ओ भिरावा मेरा केड़ा जुर्म है, मैं कुछ वादा है कत्ल करे सा, मेरा केड़ा जुर्म है। इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, ओ परहेजगारां दी कबूल करेंदा है। तू भी परहेजगार बन वही, तेरी भी कबूल हो वही सी। या अली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी, मालिक तुक सलामत रखे। एक दना हबील है ते बह दना कबील है। इतने गुजारिश की वजह हबील बंदे को रल वेंद है जो कातिल कौन है ते इन्हों मकतूल कौन है। कबील काफ तू एक कातिल है, हबील मकतूल है। अल्लाह अकबर। एक सलवात तिलावत फरमाओ, फिर भी सलवात तिलावत फरमाओ। अल्लाह आखिया दो में कुर्बानी दियो, दुआ कुर्बानी दीती अल्लाह अकबर, हबील दीती खलूस नाल, हबील दीती अल्लाह नू सामने रख के। अरब दे वेचे होंदा कबूलियत दा पता लगदा, उत्तू बिजली आंदी आई जेंदी कुर्बानी नू जला छोड़िया कबूल हो वेंदी आई, जैनू न जलाव्या रह वेंदी आई। अल्लाह दे हबील दी कबूल हो गई, कबील दी रह गई। जदा कबील दी कबूल ना होई उस हबील नू आखिया मैनू समझ नहीं आंदे, हाएं भी दोवें भिरा, हाएं भी आदम दे पोतर, हाएं भी कट्ठे रांदे इकट्ठे, खांदे इकट्ठे, पींदे इकट्ठे, इलाका इक्को, घर इक्को, मेरी कबूल नहीं होई ते तेरी क्यों हो गई है। मैं तैनू मरे सा, मेरा खामोश मजमा सिर्फ धमकी नस दिती, अगलियां आयतां पढ़ अल्लाह दा कुरान आदा सिर्फ धमकी नहीं, कबील हबील नू मार छोड़िया है। जे तवज्जो च बैठो मैं जुमला आखा, सिर्फ मारिया नहीं, एक दिन नहीं त्राए दिन तक कबील अपने भिरा नू मोढ़ियां ते चाके, भिरा दी लाश चाके अरब दे पहाड़ियां च फिरदा रिया। हुण के करां, लुकावां छुपावां, रखां सट्टां, रखां सट्टां ता जानवर कट्ठे होए खलेन, ओ खा छुड़े सन। किबला हाफिज कुल कुरान तर्जमा करवा लवें, अगली आयतां दियां अल्लाह हे कवा भेजिया उस कबील दे सामने, दुए कवे नू मार छोड़िया, उस मारिया वत कवे नू छुपाया, कबील वे दरिया एक कवा आया है उस दुए नू मारिया है, मारन दे बाद छुपाया है। कबील अपने आप नू आदे इस जोगा ही नहीं हो। हकियाली बहुत मेहरबानी, लुत्फान दा भी है ना भाई, इस नू पता लग गया है मारन दे बाद छुपावना होंदा है, तैनू ना पता लगा, अपनी औकात दा पता लग गया असना। मैं एक अपने अपने सामेईन ते एक सवाल करे ना, आखिर वजह क्या है भिरा वी दोवें ते सके भिरा ते आदम दे पोतर, रांदे इकट्ठे, खांदे इकट्ठे, पींदे इकट्ठे, आखिर वजह क्या है जो एक कातिल पिया बनदा है। तवज्जो होवे तां, एक कातिल पिया बनदा है, दुआ मकतूल पिया बनदा है, अल्लाह दा एक रहमतुल्ला पिया बनदा है, दुआ लानतुल्ला पिया बनदा है, एक जंती पिया बनदा है, दुआ जहनमी पिया बनदा है। ते तवज्जो च बैठो वे तो जुमला आखा, वजह क्या है भिराई दोवें सके भिरा, रहंदे कट्ठे, खांदे कट्ठे, बांदे कट्ठे, कातिल क्यों, लांती क्यों, जानमी क्यों। अल्लाह दे
ਉਹ ਹਾਈ ਸ਼ਾਇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਅਮਾਦਾ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਹਾਈ ਹਸਦ ਉਹ ਹਾਈ ਹਸਦ ਕਿਆ ਹੈ चौदह का फरमान पढ़े पता लगता है हसद दुए मोमिन भिरा नू मिली हुई नेमत दे खत्म होवन दी बंदा अंदर अंदर नहीं 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 मैं वाजे नहीं कर सकता मैं वाजे नहीं कर सकया भाई मैं वाजे करना चाहना मालिक तो सलामत रखे भाई हसद क्या है दुए नू मिल गई कार मैं आख्या क्यों मिली नहीं 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 भिराई सक्का है नहीं तो कम कम दोस्त है इलाके ही तरह है अद समझ नहीं आती फैक्ट्री हिक्के च काम करे ने आए मेरे घर दियां दीवारां मुकम्मल नहीं इस दिहाड़ी दिहाड़ी कार ले लईए अगे मोटरसाइकिल ते आई हुण कार ते चढ़िया वधा है अगे घर कच्चा हुण पक्का बन गया ना तो हाई कोई ना यार दिहाड़िया ना चढ़ गया समझ नहीं आंदी मेरे पल्ले हे कुछ ना एनू ए क्यों मिले है रांझ न थी वे तो जुमला आखा भाई जड़ी अंदर अंदर ए हवस बीमारी पैदा होंदी है एनू कुरान ही हसद आंदा है चौदह का फरमान ही हसद आंदा है ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल शामी मुसल्ला विछावे वुज़ू करे दुआ दे हाथ चाके आख्या ओ मालिक अली दे पुत्रा दा सदका जे ओनू दे सकदा है तेरे खजाने च कमी केड़ी है मैनू दे तेरे हाथ तले ना आवे ना चौदह दा सदका अल्लाह तैनू ही अता कर छोड़िया हाय दरी मेहरबानी साईं मेहरबानी साईं कमाल हो गई है साईं मैं हैरान हो गया इतनी मोहब्बत है मालिक तो एक और पैगाम देव अच्छा अच्छा बच्चे बैठे ने इन बच्चों वास्ते मैं वाहजे चक्कर जो हसद आदे कहीं है और मेरा शिया सुनी भीरा काबिल एहतराम है वाजिब उल कदर है मैं आदा जेड़ा ही हुसैन दी मां नु हक ते समझदा है ओदा एहतराम वाजिब है ते वत जुमला पे आदा आजकल थोड़ा जिया माहौल खराब होंदा भी आई आज मैं प्यादा बंदे आधन जी मजलिस दे ऐलान होया है मजलिस दे ऐलान होया कौन पढ़ने वाला है ओ फलाना पढ़ने वाला है या कोई ना ओ जड़ा वड्डी गड्डी तो लांदा है या कोई ना ओ जड़ा लाख रुपया नियाज लैंदा है या कोई ना है तो वैसा नहीं तो ना वैसा ओ अली दे मनण वाला ए मियार तेरा नहीं मजलिस दा ऐलान सुन के टुर पिया कर जो अली नू मजमिया दी लोड़ नहीं खालिस दी लोड़ है सच्चियां ते सुच्चियां दी लोड़ है मेहरबानी अच्छा मजलिस मुक वैंदी है फिर बंदे आ बए के आदे यार फलाना बड़ा पड़ गया है फलाने मुंज कुट दिती है ते फलाना वाण वटेंदा गया है मैं दा अली अल्लाह ए गल्लां तैनू नहीं ठांदियां मजलिस मुक्के एक गल्ला ना की दिया कर नाल आले कोलो पुछिया कर यार मजलिस आम मजलिस नहीं ए चौदह दे घराने दी यूनिवर्सिटी है इत्थे पढ़ा नाला चौदह दे घराने दा उस्ताद बन के आंदा है सुना नाले चौदह दे यूनिवर्सिटी दे ताले बेल बन के आंदे पढ़ा नाले नू ओ पढ़ना चाहिए है जेदा ताल्लुक चौदह नाल होवे फिर मजलिस मुक्के ए ना क्या कर फलाने कीवे पढ़िए फलाना वाण वटेंदा की है नाल आले कोल ए पुछिया कर यार चौदह दे घराने दी यूनिवर्सिटी दी क्लास है जुगिया है सच दस उस घराने दा कुरान चोखा पकाया है चौदह दा फरमान चोखा पकाया है तो जो है ये कोई ना याद है मैं हसद ते गुफ्तगू कर गया एक दरमियान है चूंकि मुआशरे दी इसलाह मौला हुसैन फरमाया नाने दी उम्मत दी इसलाह वास्ते भी है भाई मजलसा इसलाह हैं अच्छा छोटे बच्चे बैठे होंदे साड़ी मजलसा ही मैं आखी बैठा ये चौदह दे घराने दी यूनिवर्सिटी है ये नाम वरियां दी जा नहीं खलूस बिन्नण दी जा है तो फिर एक जुमला समझावा ताकि इसलाह हो जाए हसद क्या है मेरी गल याद है जुगनू का ना सुने राती बल्द है बाद बंदे उन्हों टिंडाणा सड़ेंदे जुगनू छोटे बच्चे वेख के बहुत खुश थींदे
पकड़न की अम्मी जने पकड़ देवे क्यों जो बलदा है रोशनी खुश खुश नहीं देना जुगनू दे पिछू सप लग गया। जरा रोक के एक मिसाल देंदा पी कोई कुरान च नहीं कोई हदीस नहीं एक मिसाल समझावन वास्ते जुगनू दे पिछू जुगनू रोक गया उस आखिया सब बिरा वह क्या जी करा वह क्या खैर तो है मेरे पिछू लग गए वह क्या जैसे पिछू मैं लगता कोई खैर होंगी है नहीं जेडे चुप बैठे हो जैसे पिछू सप लग वजे खैर होंगी है खैर कोई नहीं आती ना सप आख्या दस के आखना चाहना जुगनू आता मैं सुने तू मैनू खावना चाहना उस आख्या बिलकुल जुगनू सप न आख्या खावना चाहना उस आख्या बिलकुल तेरे पिछू जो लगा तवत्ता इनू मैं खाना चाहना उस आख्या अच्छा एक तवज्जो बेहतर करा कि एक सलवात पढ़ो ना जी एक सलवात तिलावत फरमाओ तवज्जो बेहतर मालिक तो सलामत रखे जुगनू आख्या अच्छा तू मैनू खाना चाहना मैनू त्रै सवालों के जवाब दे जुगनू प्या दे सप न मैनू त्रै सवालों के जवाब दे अल्लाह अकबर सप आदा पूछ लै जो दिल करें उस अगर नहीं नहीं जो नहीं सिर्फ त्राए गल्ला सिर्फ त्राए सवाल उस अगर पूछ उस अगर तू लगा मेरे पिछू तू मैनू खावना चाहना है पहला सवाल तो है ये दस क्या मैं तेरा कोई नुकसान किया जुगनू आदा सप न मैं तेरा कोई उस आख्या नहीं जुगनू आदा दूआ सवाल मैं जो खावना चाहना है मैं तेरी खुराक हाँ सप आख्या बोलो मेरे नाल यूनिवर्सिटी है क्लास है इतने तो इसलाह होंगी इतों तो दर्श मिलता है पैगाम मिलता है पहला सवाल जुगनू आदा दस मैं जो खावना चाहना क्या मैं तेरी खुराक हाँ गजा हाँ सप आख्या नहीं जुगनू आखे दूआ सवाल है मैं तेरी खुराक नहीं दूआ सवाल है दस क्या मैं तेरा कोई नुकसान किया है जब बंदा तंग हो वजे ना तो अगले आखदा नहीं यार मेरे मगर जो लग गई है मैं तेरा केड़ा बिगाड़िया है मैं तेरा केड़ा नुकसान किया जुगनू आखदा है दस मैं तेरी खुराक भी नहीं ते मैं तेरा नुकसान भी मसला हल हो गया है इन दो लफ्जा जवाब दे सब बिरा त्रीया ते आखरी सवाल है जदा मैं तेरी खुराक भी नहीं ते तेरा नुकसान भी नहीं किया त्रीया ते आखरी सवाल है वद मैनू हड़प क्यों करे ना है सब मुस्करा के आदे ते राती चमकदा ना है तेरा चमकना मैनू बर्दाश्त जिमें सप नू जुगनू दा चमकना बर्दाश्त नहीं इन्हें कुछ बंदिया नू बंदिया दा चमकना हाय 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 आहा हा लुत्फ आ गया बहुत शुक्रिया मौला छेवें मौला ना हसद दे बारे तकरीर बैठे करें दे साईं फरमाइंदे हसद दे बारे एक बंदा खड़ा थी गया उसे कहे मौला इतनी देर तू हसद दे बारे तकरीर ते चौदी चौदहवीं सदी आ जावे ते बंदे कट्ठे बांधे ही होवेन हाथी मिलाइंदे होवेन हां नाली लगदे होवेन ते पता ना लगे ए मेरे नाल हसद करेंदा या कोई ना कई अलामत चदसो आ कई निशानी चदसो आ सक पता लग वे बंदा साढ़े हसद करेंदा असद कोल बच्चे रविया साई फरमाई दे तू ये छोटे छोटे सवाल करें ना साढ़े कोलू तो जमीना ते आसमाना दे राह पूछे कर मौला फरमाई देन जेड़ा करेंदा न हसद उन्हों आ देन हासिद बोलो हासिद मौला फरमाई देन ते हासिद दिया त्राए अलामतन त्राए निशानियां मौला जल्दी दसो मजमा बड़ी शिद्दत नाल इंतजार है छे जो पता लगे ना हासिद दिया अलामत क्या निशानियां क्या हर बंदा हां नाल ही लगता है हाथी मिलाइंदा है मिठा बोलेंदा ही है कट्ठे खांदे ही है पींदे पता नहीं लगता साईं फरमाइंदे त्राए निशानियां मौला जल्दी जल्दी मौला फरमाइंदे नाम दसो जा पहली हासिद दी निशानी है जदा तेरे सामने आसी ना वो तेरी खुशामत करे सी तू कांड वाले से वाले एडो गिले शुरू कर रहे सी मुंह ते खुशामत आओ खान जी
आओ सैयद जी, आओ मलोक जी। मलोक और कंड वाला ही है, आदा यद हाल ही वेखे आई है तो जो फरमा रहे हो ये कोई ना गिले शुरो। मौला फरमाते जो गिला ही ने ना मुमिनीन बहुत बड़ा अज़ाब है जरा कि साढ़े मुआशरे च नहीं समझ। मौला फरमाते ये जरा गिला है ना गीबत ये जहन्नम दे कुत्तियां दी गज़ा है। मौला फरमाते गिला करना गीबत करना बुस दिल का काम है ते अली अला बुस दिल नहीं होता बहादुर होता है तो जो फरमा रहे हो या कोई ना है किसे किसे साहेबे इलम नु किसे आखिया ना फलानी जगह ते तुहाडा गिला पिया थींदा ते बड़ा मोतबर बंदा गिला बैठा करेंदा। उसके जेड़ा करेंदा ही गिले बैठा वो मोतबर किदू है? जेड़ा करेंदा ही गीबत बैठा है वो मोतबर किदू है? हासिद दी पहली अलामत तो जो फरमा रहे हो या कोई ना हासिद दी पहली अलामत मुँह ते खुशामत कंडू पिछे गिले। साई दूई अलामत साई फरमाइंदे दूई अलामत है जिदण तू खुश थी से ना ओ परेशान हो सी। तू खुश है उस तीन खुश वेख्या है ते घर बह के आदा पता नहीं हसदा वधोंदा है मुड़ के या खुशियां चाई वधियां। अब मैं वो गल बैठा करे ना जे को मुआशरे च गुनाह ही नहीं समझे सारी चक्की पट्टी पई चलती है तो वो जो है या कोई ना। त्री अलामत बस मैं अगू जुमला मसाहब का पढ़ता भाई और मिम्बर देव त्री अलामत और जुमला मसाहब का मौला फरमाए त्री अलामत हासे दी है तो वो जो तो है ना सारे अब दी हासे दी त्री अलामत है। मौला फरमाए जद तू परेशान थी से ना ओ खुश थी सी अक्सर शुक्र है कहीं बला तपी है परेशान वदा होता है मुँह सुकी सुकाई वे कहीं बला अगे तो वो जो है या कोई ना अगे ए गिले शिकवे हसद औरत चाहते हैं तो हूँ जिथे दो मरद बैठे नहीं त्रिया उन्होंने जात दे आया भी है तो जो फरमा रहे हो या कोई ना या हैली मालिक तो मालिक तो अच्छा जेड़े मेरा खामोश मजमा एक जुमला आखा तो खामोशी नाल भी सुनना चाहिए है खामोशी होवे तो पैगाम पहुँचता है। अच्छा तवज्जो फरमा ए वड्डी बीमारी है ये हसद मत समझे बाजार वैसा तो बाजार चो डब्बा पैक मिल वैसी घर आके रख सा दिल आखिया तो इस्तेमाल कर ली सा लई छोड़ दे सा नहीं नहीं ये हर जात मिल वही है ते करोना तो वड्डी बीमारी है। शाह जी एक जुमला पे आदा 2020 करोना आया ना जिन्हां दा सजना तो लादा ना ही नहीं बदा ओ मुंह ते छिक्कू ही चाड़ी वधे होंदे आन ते हाथ ही ना मिलेंदे दूरू बाय के आदन हजरत महसूस ना करे वड्डी बुरी बीमारी है। मैं दलील देना ए हसद करोना तो वड्डी बीमारी है। करोना च बंदा हाथ तो छोड़ी खलाई ना हाथ ही ना ही मिलेंदा हां नाल ही ना ही लेंदा हसद एडी वड्डी बीमारी है। हर घर च मिलदी है हर देरे ते मिल दिए हर चौके च मिल दिए हाथी रल दे रांदे ना हाँ ही मिल दे रांदे ना ए बीमारी काम ही करें दी रांदी है पता ही नहीं लगता। तो जो फरमा रहे हो ये कोई ना ये बीमारी काम करें दी रा। अच्छा एक और दलील देवा मैं कुरान पढ़िया ते कुरान दी आयत तू हसद साबित कीता है ते कुरान दी आयत ते इख्तिताम पिया करे ना जो ये हसद केडी वड्डी बीमारी है। दलील देवा कुरान चो एडी शाजी किबला एडी बजुर्गो दुआ फरमाइशो अपनी मिल्लत दे जवानों नु पैगाम देना एडी गंदी बीमारी है हसद एडी बुरी बीमारी है हसद एडी नाम मुराद बीमारी है हसद जो अल्लाह अपने रसूल नाल डायरेक्ट खिताब कीता है ते अपने रसूल नु डराया भी है सो ते वत इला जी दस आखे तो पढ़ा अद कुल औज़ बे रब्बिल फलक मिन शर मा खलक तवज्जो कुल औज़ बे रब्बिल फलक मिन शर मा खलक व मिन शर गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर नफ्फासात फिल उक़द व मिन शर हासिदिन इज़ा हसद। इस सूरत दियां पहलियां सारियां आयतां च गल्लां करके आखरी आयत मुकाई इत्थे सो मेरा रसूल ए हसद वड्डी बीमारी है गंदी बीमारी है मूजी बीमारी है ते हासिद ढेर सारे होंदे नी जदां कहे हासिद ते हसद दा डर लगी मेरी पनाह मंगे मैं बचाईसा। ए हसद वड्डी बीमारी है मेरे को पनाह मंगे मेरी पनाह मंगे ते मत समझे ए शुरू तू हसद शुरू होए रसूलुल्लाह नाल हसद होंदा है
अहले बैत नाल होंदा है, रसूल अल्लाह दी अख बंद होई है ते सजदां दे वेड़े नाल हसद शुरू हो गई है। कहले जहरा दे दरवाजे ते हसद पिया होंदा है, कहले अली नू इस रंग ही लई वेंदे ते हसद पिया होंदा है। मरहबा हुण इन अयाम फातिमिया मेरा दिल आदा है मैं नबी दी धी दे थोड़े जिहा दुख सुनावा चा। एक दुआ मंगो, दुआ मंगो ते आमीन इवी आखो चा। मेरा अल्लाह शाला रस्ते ते वेंदी होई पुत्रां दे नाल माँ ना जाने, जे माँ जान पवे ओ मेरी मिल्लत दे जमाना, जे माँ जान पवे पुत्र जवान हो ना किबला साईं पुत्र भज के माँ नू राह तो उठा लैंदे। हुण दो ही दुआ मंगसो, मेरा अल्लाह शाला ओ माँ ना जाने जेंदे पुत्र छोटे हो। साईं मैं प्यादा पोत्र वड़े होवें तो उठा लेंदे, पोत्र निके होवें माँ जान वे रस्ते ते उठा नहीं सकते। पुत्र रोंदे ही है न अम्मा अम्मा ही करें देन, कहले सज्जू आंदे न कहले खब्बू वाल आंदे न। जदा नबी दी धी नू चंद दे गुजरे न बाबे दी मुकान नहीं मिली, पहली मुकान देवें जदा आए ना मैं प्यादा इो जे रंग ही मुकान दिती ने जहरा झणीए पोत्र भी छोटे न धिया भी छोटी थोड़िया मकान कबूल होवेन थोड़े घर वसते रहेन। मैं एक सैयद गुनेगार जी ताले बिल्म दुआ करे ना शाला दुनिया दे दुख च कदा ही न रोवे, हुसैन दी माँ शिफात करे। एक जुमला आखा चा ओ आजादारा नबी, अच्छा एक जुमला आखा, एक जुमला मेरे पास वेखो मौला गाजी दा आलम सामने एहतराम करेने हैं शबी है मौला अब्बास दी। एक जुमला आखा, मदीने च सिर्फ हसन ते हुसैन माँ झणी हो नहीं डिठी, मदीने च मैं वध पिया दा सिर्फ माँ झणियो ही नहीं डिठी, उदू माँ झणिए डिठा ने बाबा इस रंग दरबार पिया वैंदा है। मरहबा 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 दुआ करेंदा आवें, मैं एक वैण भी करना है। मरहबा ओ जवाना मैं प्यादा बाबे दे बाद इतनी दुखी थई है, कद जाकत मिनल होजने वाहमोहा, टाइम गुजरदा गई है गोश्त मुकदा गई है हड्डियां बच गई हैं, इो को जादी है बाबा मैनू रहन नहीं देन दे। हाय वसीता शुरू हुई मैं ना पढ़दा, एक जुमला दा किबला शाह जी दो मौके न मस्तूर दा दिल आदा मैं जीवा, एक जदा जवान होवे दुआ जदा औलाद छोटी होवे। जहरा दे पोतर भी छोटे आन, उम्र भी 18 साल आई, पुत्रां दे सामने एक हाथ जाके आदी आई अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती सरिया मैडा अल्लाह जिंदगी मुका, जहरा थक गए जरा दुनिया दे दुख तो थक गई, वसीयत शुरू थी मेरी सैन वसीयतां कीतियां। मौला अली मस्जिद टुर गए, निके निके पुत्र दे सर ते हाथ रखे दे, हाथ रखे दे वंजो नाने दी कबर ते दुआ च मंगो, आखो नाना अम्मा बीमार है। एक गल करा तेरा होवे ना घर ते घर दे बाहरों निके जाए बच्चे खले होवे न गाजी दे अलम दे सामने या मस्जिद दे दरवाजे ते या इमाम बारगाह दे सामने निके निके हाथ जा के खलिया दे होवे न, मेरा अल्लाह असाई छोटे हैं ते साड़ी माँ ही बीमार है, तो नालो लग से ते रो पम से मैडा अल्लाह एडी गुरबत इन्ना बाला ते मैं प्यादा अलम नाई अलम नाई मस्जिद नाई इमाम बारगाह नाई नबी द रोजा हाई हसन ते हुसैन निके निके दुआ दे हाथ चाई खले न सुन से हसन आदा खला नाना अम्मा बीमार है, हुसैन आदा वी रांज न होवे मैं भी एक गल नाने नाल करा नेड़े आके जंगले च हाथ पा के आदे नाना सच पुछदा है अम्मा बीमार नहीं अम्मा जख्मी है। मरहबा एडी सोहनी खलोस नाल मुकान नमाजियां दे सामने पढ़दा नमाज पढ़ के आया बैठा है, मालिक तेरे बुरसे कबूल करे। जमाना गली च बच्चे रोंदे खले होवे ना ते कोई उन्होंने दसे जो बस करो हुण माँ मर गई ने, हाय मैं तेरे कोल पुछदा बच्चे खड़े रहंदे भज पौंदे न दौड़ लैंदे न अंदरू जदा आवाज़ आई है ना रोज़ा रसूल तो हो मेरे बचड़े वल वंजो यतीम हो गए हो, पुत्रां भजना शुरू किया है। एक लफ्ज़ पढ़दा ते वैण पिया करे ना, बस दो अढ़ाई मिनट मैं लंबा ना बहावा किबला नू, बस दोवें शहजादे दौड़दे आंदे कहले हसन झणदा है
हुसैन उठा लैंदा है, हुसैन झणदा है, हसन उठा लैंदा है, मातमियाँ इन प्यादा वड्डा झणदा है ता छोटा उठा लैंदा है, छोटा झणदा है ता वड्डा उठा लैंदा है, रोवण वाला अमीर झणदा है गरीब उठाइंदा है, गरीब झणदा है अमीर। मरहबा मरहबा। सामने घर का दरवाजा वहन सुनया, सामने आया घर का दरवाजा, सैन फिजा सामने आन, बचड़े खाना खाओ ना। अम्मा जिन्हों की माँ मर वे वो खाने किवें खावेन, कुंडी खुल गई, शहजादे सामने आन, एक गल करे ना, औखी तो हर कहे दी निभदी है पर उन्हां बच्चियां दी वड्डी औखी निभदी ने जिन्हां दी माँ मरे ते अगू पहली रात होए। क्यों पुछो सैयदादा क्यों खला दें किबला साई, मैं आधा पिया जुमला पुरसे वास्ते, ओदी वजह माँ मरे ना छोटे छोटे पोत्र प्यो दा दामन नपकिया दिन बाबा साड़ी अम्मा की दे गई है, धीयां पुछ दियन बाबा साड़ी अम्मा केन गई है, त्रै जमादी असानी दी रात, हसन पुछदा बाबा अम्मा केन गई है, हुसैन आदा है बाबा अम्मा केन गई है, शाम दी कहे दिन पुछ दिए बाबा अम्मा केन गई है, मैं नहीं पढ़दा तू पढ़, अली के जवाब देवे, पुछे पोत्र पुछे दी अली जवाब के देवे, अली के बोले, मैं डर डर के खला पड़दा, मत कैनात दे अंदर कई वो बच्ची आई बैठी होवे जैंदी माँ मर गई होवे, ओ यतीमी वदी कटेंदी होवे, मर हवा जान दियो माँ मर वञे ते पोत्र आके झणपम देन ना वहन करें देन, आके मौला हसन माँ दा मुँह चुमे है, हुसैन पैरां दियां तलियां चुमियां, हसन दस्या अम्मा मैं तेरा अमीर पोतरा, हुसैन आख्या अम्मा मैं तेरा गरीब पोतरा, त्राए वहन इमाम हुसैन माँ दी मैयत ते कीते, मेरे पास विख्या है बहु रो बैठा है, बस मैं अपनी इबादत मुकावनी है, मेरे पास विख्या इन माँ दे पैरां दियां तलियां ही चुमद है, वहन ही करेंद है, मातमिया तेरी मुकान कबूल होवे, हुसैन पहला वहन करके आदा कल्ले मीनी या उम्मा नब नो कल अतिशान, अम्मा चुप क्यों कर गई, अम्मा मेरे नल बोल तेडा तस्सा पुत्रा, हाय हाय करबला सामने रखे, मरहबा दुए वहन की इजाजत देवें, तेरी मुहब्बत ढेर है वक्त थोड़ा है, किबला नू मिंबर देवा, दुआ वहन कीता इमाम हुसैन पैरी चुमद है, आधा कल्ले मीनी या उम्मा अनब नो कल मजबू, अम्मा चुप क्यों कर गई, अम्मा मेरे नाल बोल पसे गर्दन कुसा नाला पोत्र सड़े दाई, मरहबा मेरी आखिर तक निगाह है, तेरी मुकान कबूल होवे, तेरे पुरसे कबूल होवेन, तेरे गुनाह माफ होवेन, मेरे गुनाह माफ होवेन, मैं जिन्ना मरहूम इन दे साले सवाब दी मजले से मालिक बख्शे फरम है, त्रिया वैन मैं सुचेंदा खला, मैं किवें पढ़ा, मैं किवें पढ़ा, पैर भी चुमद है, माफ करे अगर दिल दुखी था, हुसैन पैर भी चुमदे न, पैर चुमकिया दिन कल्ले मीन या उम्मा कबला अंतुफारे का रूही अन बदनी, अम्मा उसले बोले से जद हुसैन मर वही सी आ इदु वैन मुक गए, हातिफ दी आवाज है, या अली के खला करे ना, हाय मालिक मैं के करा, या अली वे तरी पिया बाल माँ दी बैयत ते झाड़ पै, तस्बीया हूरा तू छोट गई, मलैका तू अर्श छुट्टा ना लई, जल्दी कर बाला नू माँ दी मैया तू उठा लै, नहीं तो मेरा अर्श डाए पवनाई, मैं तो मेरा अर्श डाए पवनाई, मेरे पास वेखे तले ना वेखे, रोवण ना रोवण मुकद्दर दे, इंजे अली उठदे आएन मैया दे नेड़े लगे आएन, कहले हसन नू उठाइंदे न, कहले हुसैन नू उठाइंदे न, कहले हसन दा मुँह चुमदे न, कहले हुसैन दा मुँह चुमदे न, मुँह चुम के आदे न, पुत्र उच्चे न रोवो, बस करो तुहाडे वड्डे अरमान न पर उच्चे न रोवो, जो मैनू वल वल आदी आ मेरी मौत दा ऐलान न करावे, मरहबा मैं हाथ जुड़े ना या अली रांझ न वे आए, मैं भी मुकाणियाँ ए भी मुकाणियन, फरदे दे अंदर इज्जत आलियाँ बीबियाँ सैयजादियाँ भी आईया बैठियाँ, गैर सैयजादियाँ भी आईया बैठी, या अली रांझ न वे हिक्का गाल करनी है, या अली मुकाण वास्ते पुरसा प्यादा है, या अली रांझ न वे, ए शहर मदीने दा है,
ए वेड़ा बतूल दाए ए मैयत जारा दिए ते रोवण आले सके पुत्र हैं या अली उठावण आला शफीक बाप है या अली रंजनो में मैदान करबला दहाई मराबा मैयत माँ दी नाई मैयत कुठे होए प्यो दी आई या अली ते रोवण आले पुत्र नानी चौं सालां दी धी आई हाथ ना जोड़ो जवानो चौं सालां दी धी आई वेख मेरे पासे ओ मैं प्यादा पुत्र नान चौं सालां दी धी आई जदा धी छणी है नजा फशरफे जो डाडा अली नहीं आया चाचा गाजी नहीं आया भिरा अकबर नहीं आया उठावण पियो दा कबीना कातिल आया है मेरे पासे वेखे उस आके आई हाथ रखे आए ए हाथ चैंदा गया तलियां वटी दियां गईया इयो को जा दिए बाबा मेरा मारे आई तमाचा ही मैं को अधी राती अली जहरा दा जनाजा चवाया है बस दो ढाई मिनट मेरे को लो पुछो सैयदादा चाया काहे काहे हे कपावा था मौला अली चाया है दूजा पावा सलेमान चाया है सर चावे तरी जा पावा मर्द कोई ना है न चिटे वाला अली दाई चाया है चौथा पावा जवान कोई ना है न दो छोटे छोटे भिरा मारे हवा हाथ ना जोड़े हाथ ना जोड़े मारा करबला बनाई बैठा है बस मैं आखरी लावदा था जनाजा चंद कदमाते गिया है अली फरमाई देना हसन लाल जनाजे थले बच्ची कौन है हसन तू पहले हुसैन बोलाए बाबा मेरी भेण जैनबे सरचा में फरमाई देन रखो चमा दा जनाजा पहले भेण नो घर पहुंचाओ वाल मा दा जनाजा चवे आए क्यों बाबा फरमाई देन मेरी गैरत नो गवारा नहीं मता कहने नेगा मेरी धी दे काद थे आखो या अली या ज़ैनब आई शाम दा वज़ार आई खुतबे पढ़ दी आई आदि आई लोगो मेरा नाना मुहम्मद है मेरा बाबा अली है ओ मेरी माँ ज़हरा है एक चादर मंग दिया चादर मंग दिया शिमर ताजिया ने Allah